आप हमें अनाथ की तरह बात सड़क पर छोड़ देते। यहाँ कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम है ना, हम तक नहीं, नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है, आप कहीं भी नहीं है। हम देवकी बिहान की रियल लाइफ में हैं, यानी कि हमने उसको जन्म दिया है, हम उसकी असली माँ हैं। और ये घर भी बिहान के पिताजी ने बनवाया था, क्योंकि नींव की पहली ईंट पर भी उसका नाम था। तो वो सब बिहान ने देखा और उसे बहुत अच्छा लगा, तो वो कह रहा है कि हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, तब हम लोग शायद यही रहने वाले हैं। हालाँकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है यहाँ रहने का। नहीं, दो लोगों को, गरीबों को बांट दो, पांडे निवास वालों को दे दो। हम ऐसे घर बांटते रहते हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें नहीं रहना है। लेकिन बिहान कह रहा है कि रहना है यहाँ पर, देखते हैं। सच्चाई बताने में इतने टाइम क्यों लगाया आपने? शुरू में हमको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहान हमको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन बाद में ठीक है, सच सच ही रहता है। हम उसकी असली माँ है तो है, वसुंधरा पांडे ने उसके पिता का खून किया है तो किया है, सारी चीज़ें पता चली। तो हर चीज़ सही समय पर बताने पर ही लोग एक्सेप्ट कर पाते। पहले वो तो हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं था, सो अब सुन लिया तो ठीक है। अब बेटा वापस मिल गया, कैसा लग रहा है खुशी देखो? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा। जिस काम के लिए हम जिंदा थे आज तक, जिस काम के लिए आए थे, वो काम हो चुका है आधा, कि हमारा बेटा हमको मिल गया।